थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड अप्रिशिएशन टू मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश. इन टुडेज एपिसोड आई एम टेकिंग यू टू अ विलेज नेम्ड जरोदा पांडा. सो लेट्स सी एंड गो ऑन अ टूर टू दिस विलेज. ये गांव का बाहर से व्यू है. देखे कितनी गाड़ियां आपको यहां नज़र आ रही हैं. दो इसकी वजह हो सकता है, ये मैरिज का सीज़न है. सामने जो घर है वहाँ तो टेंट भी लगे हुए हैं इस वक्त. और ये खेत है, खेत में मूली या गोभी इस तरह की सब्जियां लगाई गई हैं. जिस एरिया में मैं अभी हूँ ये गांव का एकदम नियर बाय आउटस्कर्ट का एरिया है. इसे यहाँ पर गोरा कहा जाता है. गोरा मतलब नज़दीक का खेत या नज़दीक के खेतों का एरिया कहा जाता है. और इस वक्त मैं यहीं पर हूँ और निकला हूँ सैर पर. सामने ही हमारे खेत आपको नज़र आएंगे. यहाँ मैं जब छोटा था और 6th क्लास में रहा था एक साल के लिए, तब इन खेतों में आया करता था. शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा घेर लेगा, फिर भी विजिबिलिटी है काफ़ी आसपास के एरिया की. ये देखिए ये वो खेत शुरू हो गए हैं. ये वो खेत हैं जहाँ पर सरसों लगी है और ये गन्ने हैं, गन्ने के खेत लगे हैं यहाँ. एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि गांव काफ़ी बाहर तक निकल आए हैं, पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ. देखिए आपको मेरे पीछे जो सब बिल्डिंग्स और घर नज़र आ रहे होंगे, इस तरफ भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है. यहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ खेत ही होते थे, एकदम जंगल जैसा माहौल. अब तो यहाँ पर दूर तक मुझे सिर्फ घर बने हुए नज़र आ रहे हैं. तो गांव काफ़ी बढ़ गया है, गांव बाहर तक निकल आया है. खेतों की ज़मीन को इस वक्त इस घरों ने कब्जा कर लिया है. सामने एक चरखी है जहाँ पे गुड़ बन रहा है. काफ़ी दूर तक गांव फैल गए हैं, चरखियाँ लग गई हैं. यहाँ मुझे याद है एक चरखी हुआ करती थी, अब तो मैं 3 चरखियाँ एक साथ देखा हूँ. आउटस्कर्ट्स हैं, यहाँ पर घर किस तरह के बने आपको नज़र आ रहे होंगे. गांव काफ़ी खाली खाली है, गाँव की भीड़ नहीं है. रोड से मैं वापस घर की तरफ बढ़ता हुआ, मुझे याद है इस घर के सामने एक मेरा दोस्त रहता था रविंदर. देखता हूँ उसके घर जा करके अगर वो घर पर है एक बार मिल लूँगा. पूरा एरिया बदल गया, मैं उनका घर नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ है. रविंदर, रविंदर ना मैं अमित. आप रविंदर? नहीं मैं अमित. आप अमित? मैं भी अमित. रविंदर है, रविंदर का घर यही है ना? रविंदर रविंदर के कौन सा घर है यार, समझ में नहीं आ रहा, पूरा गांव बदल गया अब तो. रविंदर है अपना गाड़ी ना है. रविंदर अमित. अरे था तू मेरा कैमरा है और ये हम दोनों की वीडियो कैप्चर कर रहा है. अच्छा मेरी ये हमारा कितना सुंदर है. अच्छा और क्या कर रहा है? फर्स्ट क्लास भाई. आप बताओ कहाँ है? मैं तो चंडीगढ़ हूँ. चंडीगढ़ में तो 22-23 साल से चंडीगढ़ में ही हूँ. सबके सब पूरा परिवार सब. तो मैं आज आया था यहाँ पे. इनफेक्ट कल रात को उठा, कल दोपहर के आसपास सुबह शाम को, तो बस अब निकला है घूमने के लिए. पूरा दिन तो इधर उधर ही होता रहा. चलो अपने घंटा पाया तो दिन था मुझे ढूंढना पड़ता. अच्छा सारी ले देखे एक तो आदमी जिसको मैं गांव में पहचानता हूँ, बाकी तो किसी को नहीं जानता ना पहचानता. किसी के साथ नहीं हाँ यार. और जिस उम्र में हम लोग हैं उसमें तो बहुत फर्क पड़ जाता है 15 सालों में. मुझे लगा याद भी मुझे पहचानता तो यही रविंदर होगा. लास्ट टाइम हम कब मिले थे? मुझे याद है 2005 या 2006 में मैं लास्ट टाइम. अभी भी थैंक यू. तीन ही चीज़ें करता हूँ लाइफ में, या तो पैदल चलता हूँ या साइकिल चलाता हूँ, है ना, ना बाइक से ना वो. या फिर मैं ट्रैवल करूँगा तो लोकल बसों में या लोकल. तेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है क्या तू फिजिकल वर्क ही बहुत कर रहा है, पैदल का या साइकिल का? तू फिजिकल वर्क ही हो गया. पैदल चलता हूँ ना. दूसरी चीज़ तू कोई ड्रिंक नहीं कर रहा,
हम दोनों दोस्त अपने पुराने दिनों को घंटों तक याद करते रहे और मैं देर रात वापस अपने घर पहुंचा। अगले दिन मैंने अपने मामा जी की बाइक ली और निकल पड़ा अपनी मौसी जी के घर की तरफ, जो यहाँ से करीब करीब 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो जी, चढ़थावल के रास्ते से बोल रहे जाने को और मैंने राइट टर्न गलत ले लिया, मुझे वापस जाना है। ओके, आई टेक अ यू टर्न। कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया और गूगल मैप पर रूट दोबारा से चेक करने के बाद फिर से चल पड़ा अपने सफ़र पर। फाटक बंद था ट्रेन के लिए नहीं, एक इंजन को क्रॉस करवाने के लिए। फाटक क्रॉस करने के बाद थोड़ा और ड्राइव करके मैं पहुंचा मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर चलकर मैं पहुंच गया हूं रोहाना के गन्ना मिल पर। ठीक है, गुड़ की खुशबू मुझे पागल कर देती है। क्या शानदार है, करीब करीब एक घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपनी मौसी जी के गांव में, जिसका नाम है रोहाना कलां। चरखी बहुत ज़्यादा खुल गई है, पहले एक ही चरखी थी यहां पर, देखो पांच चरखी एक साथ।
सब गंदे भर के खेतों में छोड़ने के लिए जल्दी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये है वो सड़क, मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आया हूँ। उस वक्त मैं 8th क्लास में था, तो मतलब 1992 में, ऑलमोस्ट 20 या 22 साल के बाद मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। पहले ये छोटी सी सड़क थी, अब बड़ी हो गई है, छोटी मतलब चौड़ी सड़क हो गई है। देश बदल रहा है क्योंकि गांव बदल रहा है। ई रिक्शा की पहुंच गांव तक हो चुकी है। पहले यहां पर घोड़े चलते थे, वो पैदल ही आ जाया करते थे। लीजिए, मैं पहुंच गया अपनी मौसी जी के गांव। कैसे ढूंढा मैंने उनका घर और कैसे रही मीटिंग, देखिए अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।